मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक बार सजा दी। बहुत मुश्किल है ऐसा पिता पाना जो सिर्फ एक बार सजा दिया हो, एक चपत मुझे मारी सिर्फ एक बार। मैंने उनसे कहा कि मारना आपको जितना हो आप मार सकते, लेकिन फिर एक बात ख्याल रखना कि मेरे आपके बीच प्रेम का रिश्ता न रह जाए। आप मुझे नहीं मार रहे, प्रेम को मार रहे। मैं कैसे प्रेम कर सकूंगा उस व्यक्ति को जो मुझे दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, परेशान कर रहा है। निश्चित ही मैं निर्भर हूं अभी आप पर, अपने पैरों पर अभी खड़ा भी नहीं हो सकता। तो आपकी जो मर्जी, मारेंगे तो भी ठीक है, सहना होगा। लेकिन मुझे नहीं मार रहे, ख्याल रखना मेरे और आपके बीच जो प्रेम है उसे मार रहे। वे संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। बस पहली और आखिरी सजा वही रही। उन्होंने फिर मुझे कभी दो शब्द भी नहीं कहे, मारना तो बहुत दूर। मैंने कुछ भी किया हो, ठीक किया हो, गलत किया हो, उन्होंने जैसे एक बात तो बहुत ही गहरे मन में ले ली कि प्रेम को नष्ट नहीं करना है। मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो कहीं मुझे चुराना ना पड़े। किस बच्चे को नहीं चुराना पड़ता इस ख्याल से कि मुझे कभी चोरी ना करनी पड़े। वो एक डब्बे में पैसे रख देते थे कि मुझे जब चाहिए हो निकाल लूं, जितने चाहिए हो निकाल लूं, ताकि पूछना भी ना पड़े। क्योंकि पूछो तो भी अड़चन होती, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, अभी कल ही तो लिए थे। मुझे पूछना ना पड़े, उन्हें पूछना ना पड़े, इसलिए पैसे रख देते थे। जब डब्बा खाली हो जाए तो भर देते। फिर उनके मेरे बीच प्रेम की एक गहराई बढ़ती चली गई। जिससे भी भय है उससे प्रेम नहीं हो सकता, उससे घृणा होती। इसलिए हर बच्चा बड़े होकर अपने माँ बाप से बदला लेता। जिम्मेवारी माँ बाप की है, बच्चे की नहीं, बदला लेगा ही। तुम जब ताकतवर थे और बच्चा कमजोर था तो तुमने उसे सताया, अच्छे अच्छे नामों से सताया, एक से एक तरकीबें ईजाद की सताने की, अपनी धारणाओं के आधार पर उसे सताया। और तुम्हारी धारणाएं सच हैं इसका तुम्हें आश्वासन। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके हाथ में ताकत आएगी, एक दिन चाक घूम जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, तुमसे चलते ना बनेगा, उठते ना बनेगा, तब तुम्हें वो भी कचरे में फेंक देगा। तब मत रो, ये तुम अपने किए का फल भोग रहे हो। लोग भी खूब अजीब हैं, पिछले जन्मों की तो बातें करते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल मिल रहे हैं, और इसी जन्म में जो उपद्रव करते रहते हैं उनका गणित बिठाते नहीं। पिछला जन्म था कि नहीं ये भी तुम्हें पता नहीं है, मगर ये जन्म तो साफ है। इसी जन्म में हिसाब जरा देखो।